और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन खिलाड़ियों ने आज मुलाकात की है जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है और वो ट्रॉफी वापस घर लेकर आए हैं जिसका इंतजार सालों से था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज इन खिलाड़ियों ने मुलाकात की और ये बस उस जगह से निकल रही है प्रधानमंत्री आवास से दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ये खिलाड़ी वापस जा रहे हैं। सुबह से जब से खिलाड़ी भारत वापस लौटे हैं उनके स्वागत के लिए जगह जगह दिल्ली में लोग तैयार हैं। बता दें आपको कि दोपहर 12:30 बजे के आसपास जानकारी ये भी थी कि इन खिलाड़ियों को वापस मुंबई के लिए निकलना है क्योंकि करीब दोपहर इनकी 2 बजे के आसपास की फ्लाइट है, ये मुंबई जाएंगे क्योंकि शाम को 5 बजे एक भव्य परेड होनी है इन खिलाड़ियों की जिसमें वो मरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक जाएंगे और इस दौरान बहुत बड़ी संख्या में केवल मुंबई के लोग ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग पहुंचने वाले हैं अपने खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए। तो पीएम आवास से टीम इंडिया निकली है और इस बस में टीम मैनेजमेंट है, टीम के खिलाड़ी हैं, इस बस में बीसीसीआई सचिव भी जयशाह भी उनके साथ मौजूद है जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है वर्ल्ड कप जीतने के बाद स्वदेश लौटने के बाद। महिमा ये तस्वीर बेहद खास, बिल्कुल बेहद खास तस्वीरें, और देखिए आपको सामने ही जयशाह भी नजर आ रहे हैं जैसा कि आपको अनामिका जिक्र कर रही थी और बाकी खिलाड़ी आपको पीछे बैठे हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है और एक बार फिर से उसी बात का जिक्र करेंगे जैसा कि ऑस्ट्रेलिया से जब टीम आ रही थी तो पीएम मोदी ने कहा था अगली बार जरूर कप मारा होगा और वही हुआ। पीएम आवास से अब टीम इंडिया निकल चुकी है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर तारीफ उस वक्त भी की थी जब टीम इंडिया की जीत हुई थी, उन्होंने खुद विराट कोहली रोहित शर्मा को भी फोन करके बधाई दी थी और जयशाह को भी बधाई देते हुए तारीफ करते हुए हमारे खिलाड़ियों की नजर आए थे। आज जब पीएम आवास पर ये खिलाड़ी पहुंचे तो पीएम मोदी देखने के लिए ताकि विक्ट्री परेड में वो उसे न केवल देख सके बल्कि उसे देखने के साथ साथ जो खुशी का पल है वो उसे महसूस भी कर सके। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर जो बस है वो निकल चुकी है, हालांकि अब प्लान यही बताया जा रहा है कि सीधे एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट से 2 बजे की फ्लाइट है जो कि 4 बजे लैंड होने वाली है और 4 बजे लैंड होने के बाद 5 बजे का कार्यक्रम रखा गया है। सेक्रेटरी है बीसीसीआई के जय शाह, उन्होंने यहाँ पर ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि लगभग 5 बजे का वो वक्त होगा, आप सब जरूर आइएगा। ऐसे में मुंबई भी पलके बिछा करके विश्व चैंपियन का विश्व विजेताओं का इंतजार कर रही है कि टीम इंडिया जल्द से जल्द मुंबई पहुंचे और वहाँ पर जाकर के जो विक्ट्री परेड है उसमें वो शामिल हो। नरीमन पॉइंट से लेकर के मरीन ड्राइव तक जाना है और अगर 2007 की हम बात कर लेते हो तो उस विक्ट्री परेड में 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया था जबकि इस बार की अगर हम बात करते हैं तो देखना होगा कि कितने घंटे का वक्त लगता है। हालांकि ये जो पूरी दूरी है बताई जा रही है कि 2 घंटे में तय करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि शाम 7 बजे से कार्यक्रम वानखेड़े स्टेडियम में रखा गया है जहां 125 करोड़ की जो प्राइज मनी है वो क्रिकेटर्स को दी जाएगी। लेकिन आज ये मुलाकात बेहद खास रही, प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं उनकी आंखों में भी आंसू थे, अश्रु थे कि किस तरीके से 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप था वो टीम अपने नाम नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने यहाँ हौसला अफजाई की थी। हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा था कि आगे आने वाले खेल में देख लेंगे, खेल है और ये सब लगा रहता है। और इसी के साथ जब आज मुस्कान के साथ मिले हैं तो ये बेहद खास हो जाता है कि आखिरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से पीठ थपथपाई है, किस तरीके से उन्हें बधाइयाँ दी हैं, ये तस्वीरें भी बहुत जल्द सामने आ जाएंगी। लेकिन इसी के साथ अब जो तस्वीरें मुंबई से आएंगी फैंस उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 2007 वाले से कंपैरिजन भी कर लेंगे। 2007 में जिस तरीके से खुली बस में विक्ट्री परेड निकाली गई थी क्या ये विक्ट्री परेड बिल्कुल उसी तरीके से होने वाली है? 2007 में भी T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा थे रोहित शर्मा जो कि इस बार कप्तान रहे और कप्तान के तौर पर उन्होंने ये मैच भारत के नाम करवाया, भारत को जिताया और इसी के साथ पूरे वर्ल्ड कप के मैच में टीम अजय रही और इस बार तो सबसे ज्यादा टीमें थी, 20 टीमें थी और ऐसे में हर मैच भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने नाम किया अमेरिका से लेकर के वेस्ट इंडीज तक। और इसी के साथ अब भारत वापसी हुई है, फैंस जितना इंतजार कर रहे थे इंडियन क्रिकेट टीम का कि आप वापस आइए हम आपका यहाँ पर वेलकम करना चाहते हैं तो उसी के साथ साथ इंतजार कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेटर्स को भी था कि हम अपने देश वापस जाएं और देश वापस जाने के बाद जो उनके फैंस का प्यार उन्हें मिलता है उसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। और यही वजह रही कि हमने सुबह तस्वीरें देखी जब एयरपोर्ट से निकलते हैं सारी क्रिकेट टीम तो उस दौरान सबसे फ्रंट सीट पर बैठे हुए नजर आते हैं विराट कोहली और विराट कोहली अपने फ़ोन से वीडियोज़ लेते हैं, फोटोज़ लेते हैं कि आखिरकार देखिए हमारे देश में किस तरीके से यहाँ पर स्वागत किया जाता है, किस तरीके से वेलकम किया जाता है। आप किसी भी खिलाड़ी के बारे में बात कर लीजिए, आप टिप पे उन खिलाड़ियों के नाम याद रख सकते हैं जिन्होंने इस बार का मैच वर्ल्ड कप भारत के नाम करवाया है।
वहाँ जो फैंस मौजूद थे एयरपोर्ट पर वो लगातार ये कह रहे थे कि हम किसी एक खिलाड़ी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि इस बार फील्डिंग अच्छी थी, इसके साथ बैटिंग अच्छी थी, बॉलिंग अच्छी थी, पूरा खेल बंधा हुआ था, पूरे खिलाड़ी बंधे हुए थे, इसलिए ये मैच सिर्फ किसी एक के हिस्से नहीं गया है, बल्कि ये टीम इंडिया ने जीता है, हम टीम इंडिया के साथ मौजूद हैं। और इसी के साथ वहाँ ऐसे कई फैंस थे जो कह रहे थे मैं झांसी से आया हूँ, मैं ग्वालियर से आया हूँ, मैं रात को एयरपोर्ट पर ही मेरी ड्यूटी थी लेकिन मैं घर नहीं गया, मुझे टीम को देखना था। कई ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि हम जाएंगे मुंबई जाकर के, वहाँ पर भी जो विक्ट्री परेड है उसमें भी हम शामिल होने वाले हैं, लेकिन विक्ट्री परेड की तस्वीरें अपने आप में इसलिए भी बेहद खास हो जाती है क्योंकि आप इससे पहले जिक्र कर रही थी साल 2007 का, कि साल 2007 में भी जश्न मनाया गया तो उस वक्त भी वैसे एक ग्रैंड वेलकम हुआ, उसके बाद भी कुछ ऐसी परेड देखने को मिली थी, लेकिन इस बार का जश्न क्यों अलग है? इस बार का जश्न इसलिए अलग क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप आज से पहले जब भी हुआ है, जो भी टीम जीती है, ऐसी एक भी टीम नहीं हुई थी जो कि अजेय रही हो, और हमारी टीम एक इकलौती ऐसी टीम है जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में एक बार भी किसी से नहीं हारी थी, तो ऐसे में जश्न तो डबल बनता है। महिमा, अगर हम बात करें रिकॉर्ड्स की तो रिकॉर्ड्स तो कई बने। देखिए, जो 176 रन का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया था वो सबसे पहले टीम इंडिया के नाम जाता है कि वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में, T20 के फाइनल मैच में किसी ने इतना बड़ा स्कोर दिया था। रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 के सबसे ज़्यादा मैचेस जीतने वाली टीम इंडिया है, जिसमें 50 मैच अपने नाम किए हैं। और इसी के साथ हम बात कर लें अगर जसप्रीत बुमराह की, तो जसप्रीत बुमराह किस तरीके से खेले वो सब ने देखा, 4.71 की इकोनॉमी उनका जो इस बार बॉलिंग रही है वो इस तरीके से कुछ